हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अहमद खान लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज हम क्या करने वाले, एक न्यूज़पेपर इफेक्ट जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो गाइस, आज हम वही क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। एंड गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो ये दो फोटोज हैं, मैं इसको यूज करने वाला हूँ एंड इसको मैंने ड्रॉप कर लिया है फोटोशॉप में। एंड मैं बुक यूज करने वाला हूँ जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एंड मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए। क्रॉप कर लेते हैं, या तो क्रॉप टूल ले लेता हूँ मैं एंड इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए एंड हिट एंटर। एंड गाइस, जो हमने ये क्रॉप किया है सो इसको हम चार हिस्सों में कर देंगे। एंड मैं कर लेता हूँ। एंड मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जितना मेरे को पार्ट चाहिए एंड इसकी कॉपी कर लेंगे हम। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। एंड मर्ज कर देते हैं, एक लेयर बना देते हैं इनको। एंड क्या करने वाला हूँ मैं, इन सबको सिलेक्ट करना है एंड एक इसकी कॉपी कर लेते हैं। ओके सो गाइस, हमने ये बना लिया है जो हमारा बैकग्राउंड होगा। एंड मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड चलते हैं, इसको कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है स्टेप। एंड इसको बैकग्राउंड में सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंड इसको मैं बैक में कर देता हूँ लेयर के। एंड ये ऊपर करना है जो भी हमारी फोटोज है एंड उसको हम ऊपर करेंगे एंड बैकग्राउंड को पीछे कर देंगे बैक में। एंड अब क्या करना है, जो ग्लास है सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये इफेक्ट है सो वो ग्लास पहने होना चाहिए एंड ये जब भी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगी फोटो। सो अब हमें क्या करना है, जो ग्लास का एरिया है सो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि सिलेक्शन टूल से। सो वेरी इजीली एंड सेकंड वाला भी कर लेते हैं। एंड अब क्या करना है, हमें कंट्रोल सी करना है एंड कंट्रोल वी करना है। एंड आप देख सकते हैं मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया है जो ग्लास का एरिया था। एंड अब क्या करना है, जो हमने न्यूज़पेपर बैकग्राउंड में दिया है उसको कंट्रोल जी करके एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी है एंड इसको सबसे फर्स्ट पे ले आना है लेयर के एंड ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड उसको फिल कर देना है क्रिएट मास्क जो कि लेयर में फिल हो जाए। एंड आप देख सकते हैं ये फिल हो चुका है। एंड अब क्या करना है, पहले हम यहाँ पे जो हेयर थे एंड उसको हम पहले वापस ले आते हैं। एंड मैं मास्क यूज करने वाला हूँ एंड ब्रश टूल एंड वहाँ पे वाइट कलर है सो यहाँ पे ब्लैक कलर यूज करना है एंड इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके सो गाइस, ये हो गया है
एंड अब क्या करना है, जो हमारा सिलेक्शन था ग्लासेस का उस पर राइट क्लिक करना है एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर शेडो लिखी हुई है एंड इस पर क्लिक करना है। एंड जो शेडो है सो उसको हमें क्रिएट करना है। इसको मैं थोड़ा राइट में ले लेता हूँ ताकि हम प्रीव्यू देख सकें। एंड यहाँ से इसको नॉर्मल कर देना है एंड इसकी ऑपेसिटी थोड़ी मेरे हिसाब से 75 एंड इसकी जो साइज है सो उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है 25 एंड ये जो चौक है एंड इसको थोड़ा सा 10 एंड इसको कर देते हैं 15 ओके। एंड डिस्टेंस को 0 करते हैं, सेंटर में रखेंगे एंड ब्लैक कलर फिल करना है एंड जो ब्लेंड ऑप्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए एंड ओके करते हैं। एंड गाइस देख सकते हैं आप ये काफ़ी क्रिएटिव लग रही है फोटो। एंड अब क्या करना है हमें, जो हमारा बैकग्राउंड था सो उसके हमें एक लेयर लेनी है एंड इस लेयर को नीचे कर देना है एंड यहाँ पे ब्राउन कलर फिल करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउन कलर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं एंड थोड़ा डार्क एंड ओके। एंड जो जो हमने न्यू लेयर ली है एंड इसमें हमें फिल कर देना है एंड जो हमारे जो पेपर वाला जो हमारा जो बैकग्राउंड है सो इसकी थोड़ी सी कम कर देनी ओपेसिटी जिससे कि ये थोड़ा डार्कनेस थोड़ी इसमें शो करे। सो इसको मैं 75 कर देता हूँ एंड जो ये वाला एरिया था एंड इसमें भी वही करना है। इसमें यहाँ पे एक लेयर ले लेते हैं एंड इसको भी फिल कर देते हैं ग्लास के अंदर एंड 75 ओके। अब क्या करना है हमें, जो हमारा थोड़ी हम ग्रेडियंट यूज करने वाले हैं जो कि बॉटम पे से टॉप पे जाएगा एंड मैं सबसे ऊपर आने आ गया हूँ एंड एक न्यू लेयर लेनी है एंड यहाँ से आपको ग्रेडियंट ब्लैक कलर लेना है या आप डी प्रेस कर देंगे सो ये ऑटोमेटिक जो कलर होता है व्हाइट एंड ब्लैक वो यहाँ पे आ जाएगा कीबोर्ड में डी प्रेस करेंगे। सो ग्रेडियंट लेना है एंड मैं ये वाला ग्रेडियंट यूज करने वाला हूँ सिंगल कलर का एंड जो इसका इफेक्ट है वो लाइनर ग्रेडियंट है जो कि सिंगल साइड से जहाँ से भी आप करेंगे सो वहीं से शो करेगा। एंड मैं शिफ्ट प्रेस करके एकदम स्ट्रेट लेने वाला हूँ यहाँ तक एंड इसकी ऑपोसिटी कर देते हैं 50 एंड मैं एक और लेयर ले लेता हूँ एंड थोड़ा सा अभी हमने थोड़ा ऊपर ले गए थे सो थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पे एंड इसकी 50 कर देते हैं ओके। अब क्या करना है हमें, हम ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर एंड एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करना है एंड ग्रेडियंट एंड इसको मैं रेडियल कर देता हूँ एंड रिवर्स जो कि आउटसाइड ही जो हमारा कलर है जो ब्लैक कलर है सो वो आउटसाइड रहे एंड सेंटर में फोटो क्लियरली शो करे। एंड यहाँ से वही सिंगल कलर वाला ब्लैक जो भी आपका कलर होगा वो यहाँ पे शो आ जाए शो करेगा एंड ओके। एंड एंगल 90 डिग्री एंड स्केल 100 मैं 125 कर देता हूँ ओके एंड प्रेस ओके। एंड अब क्या करना है, जो आप देख सकते हैं मास्क इसके साथ एक आया है एंड उस पर क्लिक करना है एंड वहाँ पे व्हाइट कलर है सो यहाँ पे ब्लैक कलर यूज करना है। ब्रश टूल लेना है एंड सॉफ्ट वाला, ये हार्ड वाला नहीं लेना है एंड मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ओके। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रिएटिव फोटो लग रही है। एंड गाइस यही था आज की वीडियो में, कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करो कमेंट करो एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।